कि सिर्फ हमको फर्क पड़ता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे होने या ना होने से, हमसे बात हो ना हो, हमें कॉल करे मैसेज करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। हम उसके लाइफ में हैं या नहीं है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारी याद ही उसको नहीं आती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिर्फ हमको फर्क पड़ता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे होने या ना होने से, हमसे बात हो ना हो, हमें कॉल करे मैसेज करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। हम उसके लाइफ में हैं या नहीं है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, हमारी याद ही उसको नहीं आती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि जो मेरा पार्टनर है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे होने या ना होने से, मेरे रोने से, हम रो रहे हैं उसके सामने, आंसू गिरा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें वो कुछ भी बोल दे रहा है, भला बुरा बोल दे रहा है, हर्ट कर दे रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमसे बात हो ना हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन ना बात हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमें वो इंसान मिस नहीं कर रहा है, उसको मेरी याद ही नहीं आ रही है, हम उसके लाइफ में हैं या नहीं है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम उसको देखें ना, अगर हम उससे बात ना करें, उसको कॉल ना करें, मैसेज ना करें, मेरा उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट ना हो, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बट उस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? तो देखो यार, सिंपल इसका एक जवाब है कि आपने ना उस इंसान को कभी फ़र्क पड़ने का मौका ही नहीं दिया। ध्यान से समझना, कभी किसी को फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप उसको इग्नोर करोगे, जब आप उसको नज़रअंदाज करोगे। जो इंसान आपके साथ जैसा ट्रीट कर रहा है, एक बार वैसा ही उसको ट्रीट करके दिखाओगे, तब ना समझ में आ रहा है, तभी तो उसको रियलाइज़ होगा कि वो इतना बुरा इसको लग रहा था ना। ध्यान से समझना यार, जैसे कोई इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको अवॉइड कर दे रहा है, आपको ना कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना आप इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप भी ये सब चीज़ उसके साथ करोगे, तब तो उसको रियलाइज़ होगा ना, एहसास होगा, उसको फील होगा। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हो, आप बार बार उसके पास चले जाते हो, बार बार उसको कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार उसी के पास जा रहे हो। कितना वो इंसान आपको दुख कर रहा है, हटा रहा है, लात मार दे रहा है, आपको गाली गलौज कर दे रहा है, भला बुरा बोल दे रहा है, फिर भी आप उसके पास जा रहे हो, नहीं 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 प्लीज़ मान जाओ, उस इंसान की गलती है, फिर भी आप ही माफ़ी मांग रहे हो, आप ही उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये क्या है? आपने अपनी इज्जत जो है ना, इतनी गिरा दी है, इतनी गिरा दी कि उस इंसान को लगता है कि ये तो एकदम फालतू दो कौड़ी का इंसान है, दो कौड़ी का लड़का, दो कौड़ी की लड़की, इसकी क्या इज्जत है, हटाओ इसको, ये वो इंसान समझता है, समझती है। इसीलिए वो लड़का या लड़की आपकी कदर नहीं कर रहा है, समझे? जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, जब आप अपनी कदर करोगे, और साथ में जैसा जो इंसान आपके साथ ट्रीट कर रहा है उसको वापस वही चीज़ मिलेगा, वही चीज़ दोगे, तब उसको रियलाइज़ होगा, तब उसको डर लगेगा आपसे, तब उसको आपके खोने का डर होगा, तब उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा। आपने फ़र्क पड़ने का मौका ही नहीं दिया। जितना भी दुख तकलीफ है, जितना भी इग्नोरेंस है, जितना भी हर्ट है, सब निगेटिव चीज़ आज अपने खुद सीने पे ले लिए और उसको एकदम बहुत प्यारा सा प्रोटेक्ट करके रखे हो। नहीं नहीं नहीं, इसको कैसे डांट सकते हैं, इसको कैसे इसी के अंदाज में रूडली बात कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको बुरा लग जाएगा, कहीं इंसान हमें छोड़ के ना चला जाए, हमसे बात ना करे, हमें इग्नोर ना कर दे, हमें ब्लॉक ना कर दे, हमें छोड़ ही ना दे। ये सब चीज़ आप फालतू की चीज़ सोच रहे हो, इसकी वजह से आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो, उसको ना आप सिर पर चढ़ा दिए हो यार, यहाँ सिर पर चढ़ा के उसको बैठा रखे हो, इसलिए वो इंसान वहाँ पर नाच रहा है, तांडव कर रहा है। उसको एक बार पटको, थोड़ा सा ना उतार दो सिर से। अगर वो इंसान आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बंद करो। अगर वो इंसान आपके पास आ रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तभी करो, ना कि इधर ही से लगे रहो, एकदम नहीं। अगर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कदर कर रहा है, तभी उससे बात करो। अगर जिस दिन आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको गलत सलत बोला, आपका अनादर किया, आपकी कदर नहीं की, उस दिन उसको एक लिमिट दे दो कि देख भाई, तू जो भी होगा, जो भी होगी, अपने लिए, मेरा रिस्पेक्ट से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर मेरा कदर नहीं किए तो हम उस दिन से तुमसे सब रिश्ता नाता ख़त्म। और ये चीज़ सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। तब तो यार किसी को लगेगा कि अरे यार, ये दमदार इंसान है। समझो इस चीज़ को यार, इस चीज़ को आपको समझना होगा। हम बस यही सोचने लगते हैं कि नहीं यार, है ना, हम ही थोड़ा सा झुक जा रहे हैं, हम ही थोड़ा सा कंट्रोल कर ले रहे हैं अपने आप को, हम ही सह ले रहे हैं। देखो यार, झुकने में कोई बुराई नहीं है। अगर झुक जाने से एक इंसान को रिश्ता बच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बार बार अगर आप ही को झुकना पड़े तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए। आप यहाँ पर बार बार झुक रहे हो, सिर्फ आप ही झुक रहे हो, आप ही सॉरी बोल रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, आप ही उस इंसान के पास जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार आप ही को सिर्फ ज़रूरत है, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा रिश्ता नहीं चलता है, है ना, ऐसे सिर्फ भीख मिलती है। आपके दरवाजे पर कैसे कोई आता है? आप कभी भी भिखारी को खुद से अपने घर से निकल के जाते हो,
कि आज थोड़ा मन कर रहा है, मूड कर रहा है मेरा, है ना, दिल में इच्छा आया कि आज सारे भिखारियों को हम भीख देंगे। कभी ऐसा किया आज तक? नहीं ना। मोइन आपके दरवाजे पे आता है, आपसे मांगता है, और आपके दरवाजे पे आने के बाद देखना ना, आप तुरंत उसको भीख नहीं दे देते, है ना, कुछ भी पैसा, रोटी, खाना, चावल, कुछ भी तुरंत नहीं दे देते उसको, ना 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट उसको ना आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई हमें दे दो कुछ खाने के लिए। कड़वा है लेकिन सच है, आप भी यही कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि वो खाने के लिए मांग रहा है, आप प्यार मांग रहे हो, आप बात करने के लिए उसे लाई तो सुने, यही फैक्ट है। ऐसा मत करो यार, जैसे उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, आदर नहीं करता, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, वैसे आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है और ना कभी कोई करेगा, याद रखना। इसलिए मेरे दोस्त, आज से ही अगर आप एक लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इंसान अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, उसको छोड़ दो, देखना उस दिन से उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा, उस दिन से उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, इतना आसान नहीं है किसी को जलील कर देना, इतना आसान नहीं है किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देना, और उस दिन से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, किसी से बात करे, किसी के साथ चला जाए, किसी के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चल जा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में उससे बेहतरीन, उससे अच्छे इंसान और उससे खूबसूरत इंसान, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करो तो मेरे चैनल पर एक वीडियो जाओ और उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाले, ठीक है। तो फिर आज के लिए नेक्स्ट, गुड बाय, टेक केयर।